नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने वेब न्यूज चैनल सुप्रीम पावर पर। करते हैं शुरुआत आज की कुछ मुख्य खबरों से। खबर महाराष्ट्र के गोंदिया से। गोंदिया के शासकीय जिला रुग्णालय में ऑक्सीजन टैंक के संदर्भ में सांसद प्रफुल्ल पटेल की पहल। सांसद पटेल की पहल पर अदानी के CSR फंड से शासकीय रुग्णालय में ऑक्सीजन टैंक का निर्माण कार्य 75% पूर्ण, जल्द होगा शुरू। ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट हेतु जिला नियोजन समिति गोंदिया से 1,90,00,000 रुपए की निधि मंजूर। कोविड संकट के इस दौर में समूचे राज्य सहित गोंदिया जिले में स्थिति गंभीर बनी हुई है। रोजाना बढ़ते कोरोना संक्रमितों के मामले में स्वास्थ्य सेवा भी लड़खड़ा गई। हालात ये है कि ऑक्सीजन वेंटिलेटर की कमी महसूस हो रही है। वहीं रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर भी गहमागहमी का माहौल बना हुआ है। इस चिंताजनक स्थिति से निपटने सांसद प्रफुल्ल पटेल की पहल पर अदानी पावर कंपनी द्वारा शासकीय जिला रुग्णालय में ऑक्सीजन टैंक का निर्माण कराया जा रहा है। ये लगभग 75% पूर्ण हो गया है। शेष 25% जल्द पूर्ण हेतु अपेक्षित है। पूर्व विधायक राजेंद्र जैन ने जानकारी देते हुए बताया कि अदानी प्लांट ने अपनी CSR निधि से शासकीय अस्पताल में टैंक का कार्य प्रारंभ कर दिया है, जो पूर्ण होने की ओर है। करीब 13,000 लीटर का टैंक 20 अप्रैल तक लगाया जाएगा तथा 25 अप्रैल से ऑक्सीजन सुविधा हेतु उपलब्ध होने का अनुमान है। अदानी के वरिष्ठ अधिकारियों ने सांसद श्री पटेल से इस संदर्भ में बातचीत, उन्हें जानकारी प्रदान कर दी। श्री जैन ने आगे कहा, कोविड संकट के दौरान ही बेहतर स्वास्थ्य सुविधा हेतु सांसद प्रफुल्ल पटेल व तत्कालीन पालक मंत्री अनिल देशमुख द्वारा करीब 1,90,00,000 की निधि जिला नियोजन समिति DPDC में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट के लिए मंजूर की गई। इसका कार्य भी शीघ्र शुरू कर वर्तमान हालातों से निपटने जिला अधिकारी गोंदिया श्री दीपक कुमार मीणा ने पालक मंत्री नवाब मलिक और सांसद प्रफुल्ल पटेल को जानकारी दी। सांसद पटेल रेमडेसिविर इंजेक्शन की पूर्ति हेतु भी कंपनी से चर्चा कर प्रयासरत है। जल्दी हालातों पर काबू पाने उपाय योजनाओं के तहत कार्य किया जाएगा। सुप्रीम पावर न्यूज के लिए गोंदिया से सतीश पारदी की रिपोर्ट।